आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी हस्ती के बारे में जो जितनी खूबसूरत अदाकारा थी उतनी ही बेहतरीन गायिका थी। उनकी सादगी और मासूम सा चेहरा दर्शकों को उनका दीवाना बना देता था, लेकिन उनका दीवानापन तो किसी और के लिए ही था। दरअसल वो अपने एक साथी कलाकार से दिल लगा बैठी थी। अपने चढ़ते हुए करियर के दौरान ही वो अपने एक सह कलाकार के लिए इस कदर दीवानी थी कि उसकी उन्होंने बेहद भारी कीमत चुकाई। अगर एक बार हम इनके दर्द को महसूस करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेहद सफल करियर, चकाचौंध भरी बॉलीवुड की इस दुनिया में नाम, पैसा और शोहरत कमाने के बाद भी इस अभिनेत्री का जो हाल हुआ वो वाकई में हमें ये बात सोचने पर और कहने पर मजबूर कर देता है कि इन्होंने सच्चे दिल से प्यार किया था, और शायद इसी को प्यार कहते हैं। प्यार में अपना सब कुछ भूल जाने वाली ये अदाकारा अब कहाँ हैं, और टूटे हुए असफल प्रेम के लिए इन्होंने किन हालातों का सामना किया, जानेंगे इस अदाकारा के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की, जिन्होंने अदाकारी के साथ साथ फिल्मों में गानों के लिए अपनी आवाज भी दी। यूं कहा जा सकता है कि गायकी तो इन्हें विरासत में ही मिली थी। मौसम, 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 मौसम। इनके पिता पंडित प्रताप नारायण एक जाने माने प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, और पंडित जसराज इनके सगे चाचा थे। इनके भाई जतिन ललित और बहन विजेता पंडित भी फिल्म जगत में और संगीत के क्षेत्र में अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं। सुलक्षणा पंडित को बतौर गायिका और बतौर अदाकारा दर्शकों ने खूब पसंद किया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उससे वो फिर कभी भी उभर नहीं पाई। चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा और करीब से। सुलक्षणा का जन्म 12 जुलाई 1954 में रायगढ़ में हुआ था। जैसा कि आपको हम बता ही चुके हैं कि सुलक्षणा का ताल्लुक संगीत घराने से था, और शायद यही वजह था कि इनका रुझान भी गायकी की तरफ हुआ। मात्र 9 साल की उम्र में सुलक्षणा गाना गाने लगी थी। 1967 में रिलीज फिल्म तकदीर में सुलक्षणा ने अपनी आवाज दी, और वो भी लता मंगेशकर के साथ। गाना था सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी। इसके बाद सुलक्षणा को कई फिल्मों में गाना गाने का मौका मिला, जैसे बम्बई, रात की बाहों में, राहगीर, नतीजा, महुआ, वो दिन याद करो और दूर कराही। सुलक्षणा बेहद ही खूबसूरत थी, ऐसे में उन्हें फिल्मों में अदाकारी करने के लिए भी प्रस्ताव आने लगे। 1975 में उनकी पहली फिल्म उलझन रिलीज हुई, जिसमें उनके साथी कलाकार थे संजीव कुमार। संजीव कुमार ने सुलक्षणा को उनकी पहली फिल्म में पूरी तरह से सपोर्ट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सुलक्षणा संजीव कुमार के व्यवहार से बेहद प्रभावित हुई और उन्हें पसंद करने लगी। अपनी पहली ही फिल्म में सुलक्षणा को काफी पसंद किया गया। सुबह और शाम काम ही काम, क्यों नहीं लेते भी। और इसके बाद फिल्मों का सिलसिला लगातार चलता रहा। उसी साल उनकी फिल्म संकल्प रिलीज हुई, जिसके एक गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद फिल्म राजा ऋषि कपूर के साथ, सलाखे शशि कपूर के साथ, हेरा फेरी विनोद खन्ना के साथ, बंडलबाज राजेश खन्ना के साथ, और संकोच
जितेंद्र के साथ 1976 में रिलीज हुई। ताश खेल रही थी गिरिज बाबू के साथ। इसी वजह से इधर नहीं आ रही, पढ़ने का इरादा नहीं तो छोड़ दो। मैं तो पढ़ रही थी, चारू की माँ खींच कर ले गई। ये कैसा बचपन है, चारू की माँ मुझे जबरदस्ती खींच कर ले गई थी, जैसे तुम दूध पीती बच्ची हो। मैं खूब समझता हूँ कि तुम वहाँ घड़ी घड़ी क्यों जाती हो। फिल्म संकोच में सुलक्षणा पंडित और जितेंद्र की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। ये फिल्म एक बेमिसाल फिल्म रही, जिसका रीमेक बाद में विद्या बालन और सैफ अली खान को लेकर भी बनाया गया। इस रीमेक फिल्म का नाम था परिणीता। रात हमारे तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के। फिल्म संकोच के बाद सुलक्षणा पंडित और जितेंद्र की जोड़ी ने फिल्म अपनापन, कसम खून की, खानदान, धर्म काटा और मददगार जैसी फिल्मों में काम किया। संजीव कुमार के साथ भी उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया और ये दोनों फिल्म वक्त की दीवार, चेहरे पे चेहरा और दो वक्त की रोटी में फिर से साथ दिखाई दिए। शशि कपूर के साथ उन्होंने फांसी और अमर शक्ति जैसी फिल्मों में काम किया। दरअसल सुलक्षणा पंडित बेहद ही सौम्य अभिनेत्री थी, इस वजह से हर अभिनेता उनके साथ बार बार काम करना पसंद करते थे। इसके सिवा वे विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर के साथ भी कुछ फिल्मों में दिखाई दी। अपनी बहुत सी फिल्मों में अभिनय के साथ साथ उन्होंने अपने लिए गाने भी गाए। '1988 में सुलक्षणा ने फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम करना बिल्कुल बंद कर दिया और इसके बाद वे सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग तक ही सीमित रह गईं। उन्होंने दूसरी अभिनेत्रियों के लिए भी अपनी आवाज दी थी, जिसमें उन्होंने अपनी ही बहन विजेता पंडित, रीना रॉय, तनुजा, बिंदु, सारिका, योगिता बाली, राखी, पद्मिनी कोल्हेपुरी, रेखा और यहाँ तक कि मनीषा कोहराला के लिए भी गाने गाए। तुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा तुझे तो क्यों है गीला। 1975 से 1988 तक उन्होंने तकरीबन 30 फिल्मों में सभी टॉप के अभिनेताओं के साथ काम किया। हालांकि जितेंद्र उनके अच्छे दोस्त रहे, लेकिन सुलक्षणा पंडित ने अपने दिल में जो जगह संजीव कुमार को दी, उसके बाद वो किसी और के लिए अपने जीवन में जगह ना बना सकी। दरअसल अपनी पहली ही फिल्म से संजीव कुमार के शालीन व्यवहार और सरल स्वभाव के चलते वे उन्हें इस कदर मोहब्बत करने लगी कि उसके बाद कोई भी अभिनेता या अन्य व्यक्ति उनकी जिंदगी में वो जगह नहीं ले पाया। खुद संजीव कुमार भी उन्हें बेहद पसंद करते थे, लेकिन दोनों के पसंद करने के तरीके में अंतर था। जहां सुलक्षणा संजीव कुमार के साथ शादी करने और घर बसाने के सपने देखती थी, वहीं संजीव उन्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह पसंद करते थे। संजीव कुमार ने अपनी तरफ से कई बार सुलक्षणा को ये समझाने की कोशिश भी की कि वे उनके चक्कर में ना पड़े, लेकिन सुलक्षणा संजीव कुमार के लिए बेहद गंभीर थी। माना जाता है कि संजीव कुमार उस समय ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के लिए बेहद गंभीर थे और उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन हेमा मालिनी के घर जब संजीव कुमार रिश्ता लेकर गए तो हेमा की तरफ से उन्हें इनकार ही मिला। बावजूद इसके उन्होंने सुलक्षणा को शादी से इनकार कर दिया। शादी के लिए संजीव कुमार का इनकार सुलक्षणा झेल नहीं पाई। 1985 में जब संजीव कुमार की हार्ट अटैक से अकस्मात मृत्यु हो गई, तो सुलक्षणा ने भी फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। सुलक्षणा की आखिरी फिल्म दो वक्त की रोटी भी संजीव कुमार के साथ ही थी, जो ईयर 1988 में संजीव कुमार की मृत्यु के बाद रिलीज हुई। संजीव कुमार का शादी से इनकार और बाद में उनकी मृत्यु से सुलक्षणा पंडित को गहरा सदमा लगा और वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। उन दिनों विजेता पंडित ने अपने इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि संजीव कुमार उनकी दीदी सुलक्षणा पंडित से बेहद प्यार करते थे, पर उन्हें मालूम था कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है। इस वजह से उन्होंने सुलक्षणा को शादी से इनकार कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वे जानते थे कि उनकी जान कभी भी जा सकती है। संजीव कुमार के यूं इस तरह दुनिया से चले जाने के कारण
सुलक्षणा ने लगभग अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। सुलक्षणा ने काम करना छोड़ ही दिया था, जिस वजह से उन्हें आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी वो अपार्टमेंट भी बेचने की नौबत आ गई। इस कठिन समय में उनके सहकलाकार जितेंद्र ने उनकी काफी मदद की। दोनों ने बहुत सी फिल्मों में साथ में काम किया था और तभी से दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। 2006 में उनकी बहन विजेता पंडित ने उनकी जिम्मेदारी संभाल ली और उन्हें अपने साथ अपने घर ले आईं। यहाँ भी सुलक्षणा सिर्फ एक कमरे में ही खुद को बंद रखती थी और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं किया करती थी। खबरों के मुताबिक सुलक्षणा एक बार घर के वॉशरूम में भी गिर गई थी और तब उनकी 4 बार सर्जरी हुई क्योंकि उनके हिप बोन में चोट आई थी। आज भी सुलक्षणा ठीक से नहीं चल पाती हैं। सुलक्षणा पंडित को आखिरी बार 2015 में उनकी बहन विजेता पंडित के पति आदेश श्रीवास्तव की मृत्यु के बाद उनकी प्रार्थना सभा में ही देखा गया था, क्योंकि सुलक्षणा ने संजीव कुमार की मृत्यु के बाद ही लाइमलाइट से खुद को बेहद दूर कर लिया था। हाँ, 2017 में एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने एक्टिंग और सिंगिंग करियर को लेकर कुछ बातचीत की थी। आज के समय में अगर सुलक्षणा पंडित की पिक्चर्स देखी जाएं, तो यकीन करना मुश्किल है कि वही बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों वाली और प्यारी सी मुस्कान वाली सुलक्षणा पंडित है, जिसके एक समय दर्शक दीवाने थे। सफल अदाकारा और बेहद यादगार गीतों को गाने वाली इस अभिनेत्री की निजी जिंदगी इतनी दर्द भरी रही कि इनकी कहानी को कहते सुनते हुए भावुक होना बहुत ही स्वाभाविक है। बॉलीवुड क्लासिक एरा इनके लिए स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना करता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।